बिहार में दावत इफ्तार पर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसे देखते हुए बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा और अब बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी समर्थकों ने पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा गया है कि वोटों की राजनीति के लिए नीतीश कुमार टोपी पहन लिए हैं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। साल 2024 में फिर से दिल्ली में मोदी की सरकार बनेगी। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर देखिए हमारे संवाददाता आदित्य झा की एक रिपोर्ट। रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देने की परंपरा राजनीतिक दलों के द्वारा होती रही है, लेकिन अब इफ्तार पर भी राजनीति हो रही है। अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर में खड़े हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर में एक बैनर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर निशाना साधा गया है। अब देख सकते हैं कि इस बैनर में ये बताया गया है, नीतीश कुमार को टोपी पहनते हुए दिखाया गया है और लिखा गया है कि लाल किले के बैकड्रॉप में मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री का सपने देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बैनर लगाया गया है उसमें ये भी जताया गया है कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करती है और 2024 में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी। तो पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर भी निशाना साधा गया है और साफ तौर पर ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार के बहाने वोटों की ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं और वोटों की तुष्टीकरण के लिए वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ आदित्य झा, न्यूज़ स्टेट, पटना।